देंगे। शुक्रिया। सर ये बताएं कि सियासी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल देखते हैं अपनी जमात का, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या तहरीक इंसाफ को आप खैराबाद कहेंगे जैसे और रहनुमा ने किया? माइनस इमरान खान फार्मूला भी चल रहा है। देखिए सुनिए, ये सवाल अब इतनी दफा हो चुका है कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही, इसमें कोई वक्त ही नहीं रही, इसका कोई वजन ही नहीं रहा। और मैं हमें बार बार वजाहतों की जरूरत नहीं है, ये तेल और ये तेल की धार वक्त साबित कर देगा कौन कहां खड़ा है, वक्त साबित कर देगा कौन कहां खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ एक वफाकी जमात है, तहरीक इंसाफ एक नस्बुलैन है, एक नजरिया है, जिस नजरिए को न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने कबूल किया, इब्तदा खैबर पख्तूनख्वा से थी, लेकिन आज वो नजरिया खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, वो फैल चुका है। पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर जिसे कहते हैं ना, पंजाब के हर देरे पर, सिंध की हर ओताक और खैबर पख्तूनख्वा के हर हुजरे में ये नुक्ता नज़र पहुंच चुका है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को छू रहा है चट्टानों को। तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान, यकीनन ये बलोचिस्तान में जो जो मैं तड़प देख रहा हूँ वो काबिले दीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है। सर ये बताएं कि परवेज खट्टक साहब को शो काज नोटिस दिए, इस हवाले से आपका क्या मत? वो ये भी कहते हैं कि ये कुरैशी साहब इसकी साथ, पहली बात तो ये सुन लीजिए, सवाल है मेरे, देखिए सुन लीजिए, परवेज खट्टक साहब हमारे कॉलीग रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है, एक उनका एक अपना एक सियासी कद है, वकार है, और उन्हें अगर पार्टी ने कुछ उन्हें सवाल भेजे हैं तो मुझे यकीन है कि उसका जवाब देंगे। उनके जवाब का इंतज़ार कीजिए, जब उनका जवाब सामने आ जाएगा तो उससे उनके जहन की अकासी होगी, उनके इरादों का जो है ना पता चलेगा, तो उसके बाद बात करेंगे। सर आपने कहा था कि इंसाफ का झंडा आपके हाथ में है, अब बताएं कि इंसाफ का झंडा आपके हाथ में है या किसी और रहनुमा के हाथ में है, या इंसाफ का झंडा आप लहराएंगे, कौन लहराएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? फिर आप क्या है? फिर आपने वही किया, मैं अब गुस्ताखी तो नहीं करूंगा, आपका तारुफ नहीं पूछूंगा, लेकिन देखिए मैंने कहा था और मैं उसको वजाहत कर दूं, मैंने कहा था अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये तो झंडा मैंने 2011 में पकड़ लिया था ना भाईजान, तो कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।